की शुरुआत कर लेते हैं। आपको बता दें कि भोपाल से खबर है जहां दिग्विजय ने फिर खड़ा किया है विवाद। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां सावरकर को लेकर शेयर किया है विवादित वीडियो। वीडियो में सावरकर पर आपत्तिजनक आरोप भी लगाए हैं। ब्रिटिश से 60 रुपए महीने पेंशन लेने का भी आरोप देखने को मिल रहा है। दिग्विजय पर शेयर किए ट्वीट को लेकर बीजेपी का हमला अब देखने को मिल रहा है। तो बड़ी खबर भोपाल से जहां दिग्विजय ने फिर खड़ा किया है विवाद और सावरकर को लेकर शेयर किया है विवादित वीडियो। बड़ा बयान, बड़ी जानकारी। वीडियो में सावरकर पर आपत्तिजनक आरोप भी देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि ब्रिटिश से 60 रुपए महीने पेंशन लेने का भी आरोप देखने को मिल रहा है। वहीं हमारे साथ फोन लाइन पर बीजेपी प्रवक्ता रामेश्वर शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी रामेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं कि सावरकर को लेकर शेयर किया गया है विवादित वीडियो, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस पगला गई है और दिग्विजय सिंह के पास तो केवल जो है हिंदुस्तान के प्रति लड़ने वाले, देश के प्रति सेवा करने वाले, भारत माता के लिए अपना जीवन निछावर करने वाले लोगों को बदनाम करने के अतिरिक्त कोई दूसरा चारा नहीं है। इसलिए दिग्विजय सिंह, जब भी आप देखिए, दिग्विजय सिंह ने आज दिनांक तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई वीडियो डाला? दिग्विजय सिंह ने आज दिनांक तक आतंकवाद के खिलाफ कोई वीडियो डाला? दिग्विजय सिंह को जब दिखते हैं तब सावरकर ही क्यों दिखते हैं? और सावरकर के खिलाफ वीडियो डालने के बाद क्या करना चाहते हैं दिग्विजय सिंह? और दिग्विजय सिंह जी को, पूरी कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि इस तरह के जो है झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाकर किसी शहीद के, किसी देशभक्त की इस तरह अपमान करना, ये ठीक है? इस तरह का अपमान करना ठीक है क्या? ये तो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में लोग टीका टिप्पणी करेंगे तब क्या कहोगे? टीका टिप्पणी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में भी हो सकती है। जी रामेश्वर जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये ट्वीट देखने को मिल रहा है और बीजेपी पर हमला किया गया है, इसको आप किस नजर से देख रहे हैं? मेरा केवल इतना ही कहना है कि बीजेपी पर क्या खाक हमला करेंगे? बीजेपी पर क्या हमला करेंगे? बीजेपी पर हमला करने के दिग्विजय सिंह की और कांग्रेस की क्या औकात है? जी रामेश्वर जी, जिस तरीके से वीडियो देखने को मिल रहा है और ये बीजेपी पर हमला किया जा रहा है और वीडियो में सावरकर पर आपत्तिजनक बयान भी दिया गया है, आपत्तिजनक टिप्पणी भी की गई है। देखिए, जो उन्होंने सावरकर जी पर टिप्पणी की है, वो टिप्पणी जो है वो उनको खुद देश से क्षमा मांगनी पड़ेगी। हिंदुस्तान के लोग कभी उनको, दिग्विजय सिंह को या कांग्रेस को माफ नहीं करेंगे, क्योंकि दिग्विजय सिंह का ये पापी व्यवहार है, ये देशभक्तों का अपमान करने वाला व्यवहार है। मैंने कहा ना कि दिग्विजय सिंह एक तरह से पाकिस्तान के चाटुकार हो गए, दिग्विजय सिंह मुस्लिम परस्त हो चुके हैं। इसलिए स्वतंत्र वीर सावरकर को जितने भी जिन्ना पार्टी के लोग थे वो कभी पसंद नहीं करते थे, और इसलिए सावरकर के खिलाफ हर हमेशा अनलगर को प्रचार करते थे। और दिग्विजय सिंह जी पंडित नेहरू जी के बारे में तो कुछ पढ़ लें, कुछ समझ लें। और जिस सावरकर का पूरा परिवार अंडमान निकोबार की काले पानी की सजा, तीन तीन सजा पूरा परिवार भोग रहा हो जेल की। जी रामेश्वर जी, जो वीडियो शेयर किया गया है, आपको क्या लगता है इस वीडियो में कितनी सच्चाई देखने को मिल रही है? देखिए, जो कुछ भी है, मैंने कहा ना कि ये कांग्रेस का पाप है और ये कांग्रेस की ओछी मानसिकता का प्रतीक है, और ये मरती हुई राजनीति में सशक्ति हुई और हिंदुस्तान से विदा होती हुई कांग्रेस है। इसलिए वो हर हिंदुस्तानी का, हर देशभक्त का, हर उस नागरिक का, हर उस राष्ट्र के नायक का अपमान करेगी जो भारत के लिए लड़े हैं, मरे हैं, जिनने भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति के लिए लड़े। क्योंकि सावरकर उनको इसलिए चुपते थे कि सावरकर जी एकमात्र ऐसे नेता थे जो कांग्रेस का पंडित उस समय घोर विरोध करते थे, तो कहते थे ये कांग्रेस नहीं है, ये लीग की पार्टी है, मुस्लिम लीग की पार्टी है, ये कांग्रेस के कारण देश विभाजन हुआ और लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, ये स्वतंत्र वीर सावरकर ने कांग्रेस पर कहा था। और इसलिए कांग्रेस सत्ता की दलाल हो गई है, चाटुकार हो गई है,
और सत्ता की लोभी हो गई है, इसलिए देश विभाजन कांग्रेस स्वीकार कर रही है। और इसलिए सावरकर जी कहते थे कि कोई बात नहीं है, अगर अंग्रेजों से ये देश 100 साल लड़ सकता है तो 2-5 साल जिन्ना से भी लड़ाई लड़ी जा सकती है, और अगर आजादी चाहिए तो फिर अटक से कटक तक, काश्मीर से कन्याकुमारी तक के भारत की आजादी चाहिए। जी जी रामेश्वर जी, जी रामेश्वर जी, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी विधायक हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने तमाम जानकारी भी दी है, अपनी बात भी रखी गई है। तो आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।